उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की एक बस्ती शकूर नगर। सन 91 के आखिर में शहर में अक्षर ज्योति अभियान शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम फसादों से दबे इस शहर में अक्षरों की बात सुनी, कुछ सवाल उठे। साइकिल का काम तो करीब बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो करा है करीब 3 साल के करीब हो गया। 3 आमदनी 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये की हो जाती है, 22 दफ़े तो बिल्कुल खाले रह जाते हैं। उस टाइम जिस टाइम से वहाँ बैठा हूँ उस टाइम से 2 दफ़े में झगड़ा हुआ है। तो उन दिनों काम का क्या हुआ? काम एक आध महीने तो ऐसा रहता है जैसे बस कल्फिया से ही लग रहा हो कि बस बहुत बड़े सुमसाम काम। जब खुलता है तो 2-1 महीने बाद ही खुलता है जब देहात का आदमी शहर में आता है। बस यह सुबह उस टाइम तो रहता है गए यार अपना चले आए बैठ के। अब तो काफ़ी कम है और उम्मीद भी है कि अब नहीं होगा वहाँ जल्दी से मेरठ में, लेकिन पहले तो ये रहा कि 6 महीने में अब ये तारीख को रहा है उस तारीख को रहा है उस तारीख को रहा है ये रहता चला रहा था हिसाब से कि 12 को रहा 10 को रहा 11 को रहा। शकूर नगर, तारापुरी, जैदी फार्म, जाकिर कॉलोनी। पिछले 20 सालों में ये बस्तियां मेरठ की फैलती आबादी को समेटती रही हैं। ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग हैं, हजारों छोटे बड़े कारखाने। जब तक यहाँ पर रहे यहाँ पर तो जाते थे मदरसे में वाले साहब के साथ, यहाँ से करीब हम काफी छोटे मामा के चले गए थे। मागा गांव का कुछ हिसाब पहले ऐसा था कि 8 दिन में 2-3 बच्चे जाएंगे और घरों से आटा लाएंगे। वो हमारे मामा को नापसंद था, फिर वे सारे कुछ ही अनपढ़ थे, उन्होंने सोचा पढ़ने लिखने कुछ नहीं होता है, ये होता है और कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे भी जाने की, मत जा आप भी तो भी मत ना जाकर पढ़ने। उसके बाद यहाँ पर आया हमें पढ़ने बिठाया, तो फिर जब हमारी इतनी ज़िंदगी खेल कूद में बीत गई तो उसके बाद हमारा मन नहीं लगा तो वाले साहब ने माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, कुछ उनके घर के हालात भी रहे, कोई कैंची का काम कर रहा है, आप महसूस करेंगे आपको ताज्जुब होगा 11 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा जो है कैंची परेशान लगा रहा है, और इसके अलावा कोई खड्डी चला रहा है बच्चा, अपने वजूद से कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो या तो मैंने महसूस किया माँ बाप में कुछ जज्बा, उनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए, जज्बा नहीं रहा, या फिर वो काम कुछ कमाने की आदत वाली बात है। तो छोटे बच्चों को हम जोड़ रहे हैं इस अभियान में, हमारे यहाँ बड़ी तादाद में छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो 11 साल के 9 साल के बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक स्कूल का मुँह नहीं देखा आज तक। तो वैसे हम ये भी कोशिश करते हैं कि स्कूल में सुबह पढ़ने हैं, लेकिन अगर वो काम पे जाते हैं, चाय की दुकान है या कहीं मजदूरी कर रहे हैं, तो कम से कम चाहते हैं उनको मौका मिले शाम को पढ़ने आ जाएँ। तो इसमें भी कामयाबी मिली हमें कि छोटे बच्चे जो आने वाली नस्ल है जो कल का मुस्तकबिल है
कम से कम वो हमारा ताबनाक हो। जो 25 साल की उम्र जिसकी है गुजर गई ठीक है, अभी तो अपने रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, एक हुनर है उसके पास इसलिए वो जिंदा है। कम से कम इन बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। आप क्या काम करते हैं? कैंची बनाते हैं। वो कैंची जो धार लगाते हैं कैंची पर, कितने पैसे मिलते हैं आपको? 25 रुपये रोज। 25 रुपये रोज आप घर देते हैं क्या? रोजाना 25 रुपये मिलते हैं? रोजाना काम पर जाते हैं आप? तो शाम को यहाँ पढ़ने आया करेंगे? मुमताज नगर, सिद्दीक नगर, राशिद नगर, बरसों से इन इलाकों में रहने वालों के नसीब में सिर्फ अपेक्षा और लापरवाही। जहां लाखों की आबादी में सरकारी स्कूल एक भी नहीं, पढ़ना लिखना तो इत्तेफाक पे रह जाता है। कुछ बातें तो ये हैं कि लोगों में इसकी तवज्जो ही नहीं, वो जाहिल हों या बिल्कुल कोरे अनाड़ी हों, कुछ भी किस्म के, उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं कि हम क्या हैं। उन्हें तालीम से या इससे कोई लगाव नहीं है। उन्हें तो यह है कि दुनिया में आ गए हैं, टेलीविज़न VCR हमारे देखने के हैं, सिनेमा वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं। बस खा लिया, कमा लिया, मेहनत कर ली, टेलीविज़न सिनेमा देख लिए, बस समझो यही ज़िंदगी है हमारी। जैसा कि तालीम का हिसाब है इस्लामी तालीम, उसके अतबार से हम लोगों को समझाते हैं कि भाई दीन की तालीम हासिल करो, हिंदी इंग्लिश तालीम जो भी तालीम है इसको हासिल करो, उसके बाद जैसा कुछ हो दे जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक करो। लेकिन कुछ लोगों में तो इसकी भावनाएं तमन्नाएं हैं कि हम तालीम हासिल करें और बच्चों को कराएं, खुद भी करें सीखें, लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्हें बिल्कुल इससे लगाव नहीं है। वो समझते हैं ये तो बेकार वक्त ज़ाय होता है, इसमें कोई नफ़ा नहीं है, जो हमारी मेहनत मजदूरी में नफ़ा है। मौलाना इस्लामुद्दीन राशिद नगर की मस्जिद के इमाम हैं। इस इलाके में एक मदरसा भी चलाते हैं। तालीम तो चाहे जितने हो वो सब अच्छी हैं, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर कुछ कमजोरियां ऐसी हैं जिसकी वजह से नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे बच्चों का ही मसला है मेरे सामने कि इतनी आमदनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अपना ये है कि अपना घर के कारोबार में मजदूरी में लग जाते हैं और तालीम हासिल पूरी नहीं कर पाते। जैसा कि आजकल स्कूल वगैरह का है कि उसमें फ़ीस वगैरह जाती हैं, किताबें आती हैं, इतनी आमदनी नहीं है। इमामत का मेरा काम है, उसमें 400, 300, 600 रुपए इससे ज़्यादा नहीं मिल पाते। ये है हुस्नारा बेगम। बच्चे बड़े हो गए, अनपढ़ रह गए, रोजगार की तलाश घर से दूर ले गई। कुछ साल पहले इनके शौहर का इंतकाल हो गया। गुजारे के लिए कभी बर्तन धो दिए, कभी किसी का मसाला पीस दिया, लेकिन अब पढ़ने आती हैं। वैसे दस्तखत करा दिए कि हम छोड़ रहे हैं मकान। अब अंग्रेजी तो जानते नहीं ना, पढ़े लिखे थे, उर्दू भी नहीं जाने थे, तो वहाँ ये कहा गया कि क्या कहें आप मकान खाली कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहा। वो उन्होंने कह दिया हाँ अंग्रेजी में कहा, पता नहीं चला उनका, तो कहने लगे तो अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगा दिया। जब बाद में कह रहे हैं आप तीसरे दिन मकान खाली कर दो, तो कहने लगे मैं तीसरे दिन मकान कैसे खाली कर दूंगा, तो सीधे सारी मौजूद हैं। तो कहने लगे ये तो आपने वादा क्यों करा, ये तो मुझे क्या पता आप क्या कह रहे हैं, ये सारी रसीदें दिखाएं। तो फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट ने 6 महीने की मोहलत दी, ये कहा हम आपको धोखा हुआ ही है, हम 6 महीने की मोहलत देते हैं, जब रसीदें सारी मौजूद हैं 6 महीने में मकान खाली कर देना। हमने 8 दिन के अंदर अंदर खाली कर दिया। साक्षरता की क्लास में 65 साल की अम्मा के आगे बैठी है 14 साल की गुड़िया।
इनके पढ़ने का मकसद? पढ़ क्या करेंगे, जो कहीं दूर पहुंच गए अपने भैया को खत तो लिख सकते हैं, जैसे दूर भैया पहुंच गए, अब कोई कोई तो नहीं लिख सकता, अपनी अपनी मन की तो बात हम ही लिख सकते हैं, कोई दूसरा तो लिख नहीं सकता, तो उनको हम ही तो लिख सकते हैं, इसलिए भाई को खत भेज सकते हैं अपने भैया को, तो क्योंकि दूर जाते रहते हैं ना वो, तो उनको खत भेज सकते हैं। अच्छा, अब तुमने काम सीख लिया, पढ़ना सीख लिया थोड़ा जी, तो तुम्हारा तुम कुछ काम भी सीख सकती हो इससे? इससे सीख भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे काम सीख सकते? गिनती सीखी है हाँ? नापना वापना आ गया जी, तो किस तरह का काम सीख सकती हो? इस तरह का स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल खोल सकती हो? शौक है, पढ़ाने का शौक है जी। अच्छा है, इस बात पे मतलब गुड़िया की मेरी बहुत जिरेबाजी हुई उनसे है, मतलब हाँ, तो इनको क्या जवाब देंगे बताओ? क्यों हमने ये कहा उस पे कि अगर बीए पास हैं, क्या इंटरव्यू करे हुए हैं, तो मतलब पढ़े लिखे भी आजकल मतलब रक्षे चला रहे हैं, और जो जाहिल आदमी वो नौकरियों पे हैं, तो ये पढ़ना लिखना कोई बुरी बात भी नहीं है, तो तुम आप बताइए क्या मतलब क्या जवाब दें हम इनको? काम करने का, पढ़ने लिखने का, मतलब इन्होंने ये सलीका बताया ना कि मतलब पढ़ने लिखने से तुम्हें क्या मिलेगा बुढ़ापे में, बाल बच्चे वाली हो रही हो जैसे तुम, तो मतलब तुम नौकरी करोगी इस वक्त, तो उसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। बताओ आप बताइए आप क्या कहें, हम आप ही जवाब हमने तो दिया, मेरे ख्याल से तो आपने ठीक जवाब दिया, सही दिया, समझ में आया सही? मैंने तो गिनती सीखी नहीं अभी तक, जितना भी सीखा है बताइए। तीन एक सात आठ आता तो होगा, कितना बन गया? पाँच और आठ नहीं, तीस आठ, तीस और आठ कितना हो गया? अड़तीस। ये कितना है? सात। ये कितना है? आठ। ये कितना है? तीन। ये कितना है? ये कितना है? दस। बचपने में किसी के माँ बाप में हिम्मत होती है, किसी में नहीं, क्या पता क्या मजबूरी है, अब हमें शौक लगा, हम क्या पता पढ़ ले। क्या फायदे हैं इसके, आप समझते हैं कि कोई पढ़ लिख ले इस उम्र में भी, तो क्या फायदे? फायदे बस ये है कि अपना हिंदी ज़्यादा चल रही हर बात में उसमें, उर्दू तो हम पढ़े हुए हैं अरबी भी, हिंदी नहीं जानते थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं कि भाई हमें नौकरी करनी या कुछ वो करना, हाँ अपना यह है शनाख्त हो जा, बोर्ड वोर्ड पढ़ ले या और कुछ हिंदी में, इस ज़माने में कोई काम ना है किसी पर तो बेवकूफ़ सर है, मानो दवाई है कोई हिंदी में आवेगी छपी हुई, उसे पढ़ नहीं सकते कहा की ये किस लिए है क्या है, उर्दू में होगी तो पढ़ लेंगे। वही बात के जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आदमी कोई बात गलत को गलत भी कह सकता है, सही को सही कह सकता है, तो अभी तक तो यही चल रहा है ना हमारे यहाँ ज़्यादा मॉमडन्स में भी, क्योंकि इलिटरेसी है और हमारे शरे में कुछ ज़्यादा शरे पर लोग चलते हैं इस्लाम मज़हब के हिसाब से, लेकिन शरे ने हमें बराबर के हुक दिए हैं, लेकिन औरतें अभी इस बात को नहीं जानती, क्यों नहीं जानती? इसलिए नहीं जानती कि उन्हें पता ही नहीं है, जब वो पढ़ नहीं सकती किसी किताब को, तो मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे कुरान से लेकर और हदीस और सब में ये है कि औरत और मर्द के बराबर हक हैं, लेकिन जब वो समझ ही नहीं रही हैं इसलिए वो हर अपने शौहर की हर बात मानती हैं, और जब वो अपने घर जाकर कोई हक की बात करती हैं, गलत को गलत कहने की कोशिश करती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, तो उससे ये भी होता है कभी कभी कि उनके शौहर रोक लेते हैं कि बस ठीक है तुम ऐसे ही ठीक हो। हाँ बोलते रहे मतलब शादी कर लेंगे फिर छोड़ देंगे, मतलब ये अच्छे खासे में फिर निकाल जला दें करते करते या मार दें, आजकल ये बहुत हो गया, ऐसा क्या मतलब कैसे होगा यहाँ पे?
बहू को जला दें क्या तो ला के दो वरना जलाएंगे। तो आप क्या समझते हैं अगर लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो क्या ये ऐसे वारदात कम हो जाएंगे? नहीं वो तो नहीं हो सकती, मतलब ये अपना वो तो रहेगी अपना इससे तो रहेगी। हाँ मैंने इतना वो कर रखा या इतनी मैं हूँ मतलब हूँ, पर ये है मार नहीं खा सकता आदमी। तो इसमें कमली जो है, कमली एक औरत है गांव की रहने वाली है और उसका फकीरी जो है वो उसका पति है। कमली और फकीरे में फ़र्क ये है कि एक तरफ कमली जहाँ सुबह से ही काम में लग जाती है, दूसरी तरफ फकीरे उस गांव में रहता है लेकिन बहुत ही काम चोर, वो काम करना नहीं चाहता, वो चरपाई तोड़ता है। आसपास के स्कूलों ने दी जगह, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने दिया वक्त, साक्षरता का सिलसिला शुरू हुआ और कमली और फकीरी की दास्तान सुनने का मौका मिला मोहम्मद अफरूल को। लीपती पोती, ये क्या होता है? लीपना पोतना क्या होता है? ये पोताई घर। इसके अलावा क्या बताएगा आप? बताएं लीपना पोतना। लीपना तो ये रिक्शा अफरूल का है, 25 साल की उम्र, बिहार से आए हैं, दिन में 50-60 रुपए की अच्छी खासी कमाई। उन लोग ये समझते हैं, जाहिल लोग क्या समझे, जो पढ़े लिखे हुए हैं वो समझते हैं, उन लोग तो ये समझते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो उसे कुछ समझ में नहीं आते, जाहिल है उसे क्या बस रोटी खाओ काम करो ये समझते हैं वो लोग। तो आप समझते हैं अगर कोई पढ़ लिख लेगा जी तो क्या वो पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार कुछ बदलेगा? बहुत बदल जाएंगे। आप मुझे देख नाम लिखने नहीं आते हैं, आप मुझे खूब आते हैं अपना नाम लिखने, हिंदी में कर लो अंग्रेजी में कर लेते हैं। एक तरफ ये जाहिलता का एहसास, दूसरी ओर अफरूल और उसके साथियों को मेरिट में हिकारत की नजर से देखा जाता है। हाँ बहुत आदमी बुरा मानते हैं, बता दे बिहार से यहाँ क्या करने है तुम लोग आया हो, कल तो मेरे एक आदमी से झगड़ा भी होगा, यही घंटाघर नहीं घंटाघर पर होगा, ऐसे झगड़ा होगा रिक्शे के बारे में, हमने रिक्शे खड़े करके थे वहाँ, उसने कहते यहाँ से हटाओ तुम रिक्शे, फिर हो गया उसके साथ खूब उल्टा सीधा झगड़ा, वो थे यहीं के मेरठ के थे, वो ये कह रहे थे तुम बिहार से यहाँ क्या करने आ रहे हो, क्यों आते हो, हम लोग का मजदूरी कम कर रहे हो, ये कह रहे हो, बहुत सारे बातें कह रहे हैं। क्या जवाब दिया? हमने कहते हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो कहीं भी काम कर लो तुम भी हमारे बिहार जा सकता हो, कितनों आदमी हमारे बिहार में, जो पूर्णिया जिला है वहाँ तो बहुत सारे सरदारे हैं, बहुत हैं दुकानें हैं होटलें हैं, हम तो उसे कुछ नहीं कहते, जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो ऐसी बात नहीं कहते हैं, वो तो कहते ठीक है मजदूर हैं कहीं भी मजदूरी करके खा लो, मैं चोरी मत करो, आज जो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं उसे क्या पता, वो तो ये सोचते अपने पेट के बारे सोचते हैं सब। सबसे पहली बात तो ये है कि जब जागरूकता आती है तो लोग समझ लेते हैं कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, लोगों की समझ में ये बात आती है कि जो लोग हमें लड़ाते हैं या जिन मुद्दों पे हम लड़ते हैं वे मुद्दे हैं ही नहीं, असली मुद्दा है विकास का, प्रगति का, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास। शिक्षा एक माध्यम है, शिक्षा एक जरिया है जिससे आप क ख ग पहले पढ़ते हैं, इसके बाद आप कलम पढ़ते हैं, उसके बाद आप और आगे की सीढ़ी पे जाते हैं, फिर अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, नई कहानियाँ पढ़ते हैं, दूसरे लोगों के विचार पढ़ते हैं, ना भी पढ़ते हैं सुनने का एक मौका मिलता है, कोई आपको पढ़ाने आता है आप 2 घंटे उसके साथ बैठते हैं, उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, नई नई तस्वीरें देखते हैं, और कुछ नहीं तो आप मकान की तस्वीर देख के ही आपके दिमाग में आता है कि इसमें एक चिमनी भी होनी चाहिए, इसमें एक वेंटिलेटर्स होने चाहिए, रोशनदान होने चाहिए ताकि, या खिड़कियाँ होनी चाहिए, खाद की बात, बीज की बात, पानी की बात, फिर इसी तरीके से आदमी का जो मस्तिष्क है वो प्रश्न करता है, दूसरों से प्रश्न करें ये भी ज़रूरी नहीं, आप स्वयं से प्रश्न करते हैं, जब एक चीज़ आपके मन में उत्सुकता जगाती है तो आप पूछते हैं, अपने से पूछते हैं, जब पूछते हैं तो फिर जवाब आते हैं, उत्तर आते हैं, और इसी प्रकार के उत्तर आते हैं कि हम लड़ते क्यों हैं,
हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, हम एक दूसरे से दूर क्यों जाते हैं, हम फासले क्यों रखते हैं। जब जवाब आते हैं तो आप फिर उनके बारे में सोचते हैं। 16 साल की 15-16 साल की उम्र। गुड़िया के अब्बा बिल्डिंग का काम करते हैं, कारीगर हैं, रोजमर्रा की जिंदगी भी घर के बाहर कटती है। अपने को अंगूठा छाप बताते हुए भी तालीम को मेरठ के माहौल के बेहतरी के लिए जरूरी समझते हैं। तीन में से एक शख्स मैं था। अब उस शख्स को ऐसा है कि पता नहीं जिंदगी के पढ़ाई ज्यादा चल जाती है तो उससे ये जो माहौल सा बन जाता है सब तब्दीली हो जाएगी। फिर इसमें जो माहौल आज बनावा है तब्दीली हो जाएगा, सब माहौल अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ने लिखने बाद तो माहौल अच्छा हो जाएगा आदमी का। क्यों जो दंगे होते हैं इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं बीच में दखल देते हैं? तो तुम्हें पहले क्या दखल देते, दखल ना दे तो फिर लड़ाई क्यों? लड़ाई तो पढ़े लिखे लोग कराने ज़्यादातर। सट्टे लगे यहाँ तो बाकायदा लोगों का सट्टे लगे हैं, मतलब लोग आके सट्टे लगा देंगे, दंगा फला जगह होगा, राज फला जगह होगा। पीछे गरीब आदमी बेचारे या तो भूखा मर जाए अपने घर के अंदर बैठ के, कमा जाए तो वहाँ मारा गया, कहाँ मारा गया, लाल कुर्ती मारा गया, कहाँ मारा गया, बुलाना गेट मारा गया, मुझे हिसाब रहा। तो फिर अगर मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो उससे इस सब में कुछ तब्दीली आएगी क्या? फिर तो सभी होशियार हो जाएंगे। किसी के बारे में ये सोच लेना कि ये पढ़ा अनपढ़ है लिहाजा ये करेगा ऐसा, ये मुमकिन नहीं है। तो पढ़ाई पढ़ा लिखना अपनी जगह है और फ़िरका परस्त होना या कम्युनल होना वो अलग चीज़ है। हालांकि लोग कहते हैं साहब नहीं, चूँकि मुसलमान जो है बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल ज़्यादा हैं, लिहाजा ये इसलिए करते, तो ऐसी बात नहीं है। हमने देखा है कि ऐसे भी लोग जो बिल्कुल अलिफ के नाम भी नहीं जानते और ऐसे मौके पर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जब कोई झगड़ा होता है कि एक पढ़ा लिखा नहीं करता, यानी सामने आ गए, अधिकारियों से बात की, उनको तसल्ली दी, उनसे कहा कि निसाब आप बिल्कुल मुतमिन रहिए, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। और ऐसे ही मेरे सामने मोहल्ले गुजरे हैं, खुद मेरा मोहल्ला ऐसा है जहाँ पर पूरा इलाका मुस्लिम है लेकिन 5 मकान 4 मकान जो हैं वो हिंदूज के हैं। 1982 का झगड़ा हुआ, 1987 का हुआ, ये सब कुछ हुआ लेकिन उन लोगों को किसी किस्म की भी कोई खराश तक नहीं आई। और ज़्यादातर उसमें भी वहाँ पर जो है बगैर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। किसी के बर्तन धो दिए, किसी के चरपाई बुन दी, किसी का तेल मल दिया, किसी का मसाला पीस दिया, किसी का नाच बना दिया, ऐसे कुछ। अब गुजर तो करनी पड़े है, गुजारा तो करना पड़े, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगी? अब आज दिन कहीं के रोज नहीं लगता काम, तो गुजारा तो करना पड़े। ऐसे 4-5 रुपए मिल जाते हैं रोज़ाना, जैसे मिल गया 4-5 रुपए, बाजे दिन 2 रुपए रह जाए, बाजे दिन बिल्कुल भी नहीं रहता, तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे खर्चे खटकते तो नहीं है? ये खटकेंगे कैसे, जब हम पढ़ेंगे तो खटकेंगे कैसे? तो अगर वो किताब भी नहीं देती, मैंने तो कहा था अगर आप किताब नहीं दे रही हैं, इतने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए थे पढ़े हुए, तो तुम हमें लिख के दे तो हम ले आएंगे, कहेंगे बाजार में बिकती नहीं, नहीं तो फिर लाते ही हम, जब हमें पढ़ने का शौक था तो लाते, वे कम खर्चा कर देंगे, कर लेंगे, ले आएंगे। हाँ, कौन सा खर्चा कम करेंगे? कोई सब एक टाइम रो खाना नहीं पकाएंगे, खर्चा कम कर ले आएंगे, कोई सा काम कर लेंगे, कोई पेट में तो कोई देखने का नहीं, यहाँ खाइए या नहीं खाइए। हाँ, तो सब पूरा हो जाएगा। हम तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कोई काम हो या नहीं, जैसे तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, खर्चा बंद करा और काम करती हूँ।
कहीं का देन लेन हो जैसे किराया है या कुछ है अपना दे दिया। बेइज्जती से तो अच्छा ना उम्र आड़े आती है ना एक वक्त की रोटी। एहसास है कि अपनी कमजोरी को मजबूती में बदला जा सकता है। जिंदगी की जद्दोजहद में फंसे हैं, तलाश है इज्जत की, मौकों की, जरिया बनी है तालीम। हम सब एक हैं, इस्लाम मुस्लिम सिख ईसाई।